ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है जो वार्ड पंच की भी पात्रता नहीं रखते हैं। ऐसे लोग आप लोग जिताओगे मतदाता बंधुओं, तो आपका 5 साल से क्या काम होगा, ये सोचने की बात है। कोटा संभाग के मतदाताओं को चाहिए कि जो नेता, जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ कर सके, किसानों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे सके, किसान पुत्र जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी दे सके, जो भूमिहीन हैं, आवासहीन हैं, उन लोगों को भूमि आवंटन करवा सके, जो आदमी जिसके रहने के मकान नहीं है, आवासहीन है, ऐसे लोगों को 1.5 लाख की जगह 5 लाख रुपए का अनुदान दिलवा सके। कुल मिलाकर मेरा मतलब यह है कि राजा वैसा हो जो प्रजा को, जो चेहरे इस लोकतंत्र में 70 साल से मुरझाए हुए हैं उनमें मुस्कुराहट ला सके, ऐसे लोगों को वोट करे, ऐसे लोगों को जिताए, ताकि जहां तक काम नहीं हो सके वो विधानसभा के अंदर नहीं विधानसभा के बाहर आंदोलन कर सके, और जहां तक कर सके, जहां तक ये जो मैंने गिनाए हैं काम ये नहीं हो, तब तक वो सरकार के विरोध में काम करे। अच्छा, ये बात है सर। हम यही कहना चाहते हैं यहाँ की जनता से, मतदाताओं से, तो संघर्षशील व्यक्ति को चुने, बुद्धिमान हो, संविधान को समझता हो, राजस्थान प्रदेश के कानून कायदों को जानता हो और अच्छा कानून बनवा सके, ऐसे लोगों को वोट होना चाहिए। आज किसानों की दुर्दशा हो रही है, खाद के लिए लोग लाइनों में लग रहे हैं, जैसे फोकट में मिलेगा, पैसा देने के बावजूद भी उनको लाइनों में लगना पड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि किसान अगर मर जाएगा तो तुम लोगों को रोटी कहाँ मिलेगी, किसानों को जिंदा रखने के लिए किसानों के कर्जे माफ होना चाहिए, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, जो भी हिंदुस्तान में राजस्थान में जो धन है, सरकारी कोष है, वो किसानों के गाढ़े खून पसीने की कमाई का धन है, उस पैसा को किसानों के लिए ही खर्च करना चाहिए। और ज्यादा मैं क्या कहूँ, आप समझदार हो, वोट देने से पहले सोचे, वोट उसे दो जो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सके, 5 साल तक, 5 साल का मतलब 7 पीढ़ी तक, ऐसे आदमी को वोट करें। जय हिंद, जय भारत। रामेश्वर मामोर, सोशल वर्कर, एक्स सरपंच, कोटा डिवीजन, राजस्थान। थैंक यू सर, थैंक यू। ये रुझान